आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप हर तरीके के तवे पर डोसा कैसे बना सकते हैं। हाय एवरीवन, मैं हूँ पारुल, कुक विद पारुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ज्यादातर सभी लोगों की यही परेशानी रहती है कि डोसा जो है तवे पर चिपक रहा है। आज के इस वीडियो में आप उन टिप्स एंड ट्रिक्स को जान पाएंगे जिसको फॉलो करके आपके डोसे कभी नहीं चिपकेंगे। और इस वीडियो में मैं आपको तीन तरीके के तवे पर डोसा बनाना बताऊंगी, जैसे लोहे के तवे पर जो रोटी वाला तवा होता है उस पर, नॉनस्टिक तवे पर, और जो आजकल मार्केट में डाईकास्ट आयरन तवे मिल रहे हैं उस पर। तीनों पर आप किस किस चीजों को फॉलो करें कि आपके डोसे बिल्कुल भी ना चिपके और एकदम गोल्डन और क्रिस्पी बने। तो सबसे पहले कि लोहे के तवे पर आप डोसा कैसे बनाएं। लोहे का तवा, ये वही तवा है जिस पर आप रोटी पराठे बनाते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर आपको ये जरूर बोलना चाहूंगी, लोहे का तवा डोसा बनाने के लिए आप अलग रखें और रोटी का तवा आप अलग रखें, क्योंकि अक्सर जब हम तवे पर रोटियां बनाते हैं या पराठे बनाते हैं तो यहाँ एक लेयर सी जमा हो जाती है ऑयल की, या पपड़ी सी जमा हो जाती है। तब आप उस तवे पर अगर डोसा बनाएंगे तो चांसेस डोसे के चिपकने के ज्यादा रहते हैं। इस तरीके का चिकना तवा होना बहुत जरूरी है। तो आप सबसे पहले तवे को वॉश कर लें, लोहे के तवे को वॉश करके पोंछ लें। सबसे पहले हमें लोहे के तवे पर डोसा बनाने के लिए लो फ्लेम पर तवे को हमें गर्म करना होगा। बिल्कुल साफ मैंने धोकर के तवा तैयार कर लिया और अब हम हल्का इसको गर्म करेंगे। तवा हल्का गर्म हो गया है, इसमें से हीट आ रही है। इस स्टेज पर आप डालिए 1 टेबल स्पून ऑयल। अब आप लीजिए एक पेपर टॉवल या कोई भी कॉटन कपड़ा, अच्छी तरीके से तवे को बिल्कुल ग्रीस करिए, एकदम चिकना कर लीजिए ऑयल लगा करके। तो देखिए हल्का सा धुआं निकल रहा है, फ्लेम को लो कर दीजिए, गैस को ऑफ कर देंगे और इसको इसी तरह हल्का सा ठंडा होने देंगे। अब आप एक टॉवल लीजिए और इसको अच्छी तरीके से पोंछ दीजिए। ये जो स्टेप हमने किया, इससे अब आपका लोहे का तवा नॉनस्टिक की तरह काम करेगा, यानी अब अगर आप इस पे डोसे बनाएंगे तो उनके चिपकने के चांसेस बहुत कम हैं। तो चलिए अब लोहे के तवे पर बनाते हैं डोसा। अब तवा हमारा हल्का गर्म है, फ्लेम को अब वापस ऑन करेंगे। मीडियम फ्लेम पर तवे को हल्का गर्म कीजिए। अब कुछ बूंद हम इसमें ऑयल की डालेंगे वापस से। अब एक किचन टॉवल या टिश्यू पेपर से इस तरीके से वापस से आपको पूरे तवे को चिकना करना होगा। तवा हमारे डोसे बनाने के लिए परफेक्टली गर्म है या नहीं, इसके लिए आप पानी की इस पर कुछ छींटे लगाएं। और ये देखिए पानी पूरा एवेपोरेट हो गया, यानी पानी की जब हमने इस पर स्प्रिंकल किया पानी बिल्कुल उड़ गया। इसका मतलब हमारा तवा अब ये परफेक्ट गर्म है। फ्लेम को लो टू मीडियम के बीच में रखिए। अब हम तवे पर डालेंगे बैटर और इस तरीके से घुमाइए और आप ये देखिए बबल्स आ रहे हैं, इसका मतलब बिल्कुल परफेक्ट गर्म हमारा तवा है। ये देखिए तुरंत से फ्लेम को मीडियम कर दीजिए और अब इसमें जब ये बबल्स आना शुरू हो जाएं हमें तभी ऑयल डालना है, उससे पहले आप इसके ऊपर ऑयल ना डालें। अब इसमें हल्के बबल्स आ गए हैं, अब आप घी या ऑयल जिसमें भी डोसा बनाना चाहते हैं कुछ बूंद डालिए और थोड़ी देर में आप देखेंगे कि गोल्डन कलर आ जाएगा। जो बहुत ही जरूरी पॉइंट वो होता है डोसा बनाने के लिए प्रॉपर तवे का गर्म होना, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। ठंडे तवे पर आपका डोसा भी अच्छा नहीं बनेगा और वो चिपकेगा। और इस तरीके से जब आपने डाल दिया तुरंत फ्लेम को मीडियम कर दीजिए और ये देखिए आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छा गोल्डन धीरे धीरे कलर आ रहा है और भी आप खुद देखेंगे डोसा खुद से ही हल्का सा उठने लगेगा, क्योंकि पहले ही हमने इस तवे के ऊपर एक नॉनस्टिक लेयर फॉर्म कर दी थी। और ये देखिए कैसे ये उठ गया अपने आप ही, कुछ भी नहीं मैंने किया और ये लोहे का तवा है। किस तरीके से डोसा आप देख सकते हैं उठ रहा है। अब अगर आपका डोसा इस तरह से नहीं उठता है तो उसके लिए बहुत ही अच्छी ट्रिक है, आप लीजिए थोड़ा पानी और जिससे भी आप डोसा उठाने वाले हैं, कोई भी फलटा या जो भी आप जिससे भी करने वाले हैं, हल्का सा पानी लगाइए इस तरीके से किनारों पर जैसे मैं कर रही हूँ। ये देखिए अब इसको मैं टर्न करती हूँ और ये देखिए हमारा डोसा कितना पेपरी और कितना एकदम क्रिस्प बना है। बहुत ही बढ़िया लोहे के तवे पर हमारा डोसा बना है, आप देख सकते हैं जैसे होटल में होता है एकदम गोल्डन और प्रॉपर इसकी ऊपर की लुकिंग आई है और कितनी आसानी से ये उतर गया, क्योंकि हमने जिस तरीके से इसको बनाया तो वही चीज अगर आप भी फॉलो करेंगे तो आपका डोसा भी परफेक्ट बनेगा, क्योंकि यहाँ पे बैटर भी परफेक्ट था और जो मेथड हमने यूज किया वो भी परफेक्ट था। और मैं आपको ये डोसा थोड़ा पास से दिखाती हूँ कि इसमें कैसी जाली भी आई है। ये देखिए
बहुत ही क्रिस्पी हमारा बहुत बढ़िया डोसा बना है। तो चलिए अब मैं आपको एक और बताती हूँ एक और टिप के साथ। वापस फ्लेम को ऑन कीजिए, तवे को हल्का गर्म होने दीजिए, एक बार कपड़े से पोंछ लीजिए। अब जो नेक्स्ट मेथड है उसमें जो हम ग्रीसिंग करेंगे उसको हम पेपर टॉवल या किसी भी कपड़े से नहीं करेंगे। आप लीजिए एक फोर्क इस तरीके का और प्याज इस तरह आधी काट करके प्याज को इस तरह फिट कर लें, और जब आप तवे को ग्रीस करें तब आप इस प्याज को इसमें डिप करेंगे हम और इससे तवा ग्रीस करेंगे। बहुत से लोग प्याज नहीं खाते हैं, उसके लिए ऑप्शन है, आप ले सकते हैं ये ऊपरी डंठल वाला हिस्सा जो ऊपर का टॉप पोर्शन है बैंगन का, या फिर आप ले सकते हैं टॉप पोर्शन लौकी का इस तरीके से, या फिर आप आधा आलू काट कर भी ले सकते हैं। तो ये तीन चॉइसेस भी हैं। तवे को लो फ्लेम पर वापस हल्का गर्म कीजिए। अब इस तरीके से प्याज को इसमें डिप कीजिए ऑयल में, लेकिन आपको ये स्टेप जितनी बार भी आप डोसा बनाइए उतनी बार फिर फॉलो करना है। पानी की छींटे मारें, पानी को इस तरह इवेपोरेट होने दें, फ्लेम को लो रखें। अब इस पर हम बैटर डालेंगे। थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, तो ये था लोहे के तवे पर आप किस तरह डोसा बनाएं। अब हम बनाएंगे नॉनस्टिक तवे पर। यहाँ मैंने पुराना ही नॉनस्टिक लिया है, नए पे नहीं बता रही हूँ क्योंकि सबके पास ज्यादातर इसी तरीके का नॉनस्टिक होता है। नए पे किस तरह बनाना है, उसको कैसे सीजन करना है वो मैं पहले ही वीडियो शेयर कर चुकी हूँ, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। नॉनस्टिक तवे पे भी आपको बिल्कुल सबसे पहली बात क्लीन तवा होना चाहिए, यहाँ पर पपड़ी या लेयर नहीं जमी होनी चाहिए। अगर यहाँ पपड़ी और लेयर जमी हुई है तो उसमें डोसा चिपकने के चांस ज्यादा रहते हैं। लो फ्लेम पर इसको थोड़ा गर्म करेंगे, तो अनियन से इसको ग्रीस इस तरह से कर लें पूरा प्याज से, और उसके बाद हल्का सा गर्म होने दें। अब इसमें से हल्की हीट आ रही है, पानी की छींटे मारेंगे और ये देखिए वाटर एवोपरेट हो गया, यानी तवा हमारा परफेक्ट है डोसा बनाने के लिए। फ्लेम को थोड़ा लो टू मीडियम के बीच में रखें, क्योंकि अगर ज्यादा ठंडा तवा हुआ तो आपका डोसा बैटर चिपकेगा, अगर बहुत गर्म हो गया तो भी डोसा बैटर आपका चिपकेगा, तो मीडियम हॉट होना जरूरी है। अब हम डालेंगे इस पर बैटर। अब फ्लेम को तुरंत से मीडियम कर दें, और जब तक इसमें होल्स नहीं आते तब तक अभी हम इसमें ऑयल नहीं डालेंगे। मैं आपको पास से दिखाती हूँ, अब ये परफेक्ट है ऑयल डालने के लिए। थोड़ा सा ऑयल या घी डालें। डोसे को वन साइडेड भी सेका जाता है, आप दोनों साइड भी सेक सकते हैं, हल्का सा ऊपर से ढक दें तो आपको दोबारा पलट कर सेकने की जरूरत नहीं है। और अगर आप दोनों साइड से सेकना चाहते हैं तो एक तरफ जब गोल्डन आ जाए तो आप इसको फ्लिप कर दें, और आप देख सकते हैं कि कुछ ही सेकंड्स में ही डोसा अपने आप से उठने लगा। नॉन स्टिक पर डोसे चिपकने के चांसेस बहुत कम होते हैं अगर तवा परफेक्ट है तो। ये देखिए कितनी आसानी से मुझे उठाना भी नहीं पड़ा, और ये यूं ही देखिए अलग हो गया। तो बस अब आप इसको चाहें तो दूसरी साइड से भी थोड़ा सा सेक लीजिए। वाओ, और ये देखिए क्या कलर आया है इसका, बिल्कुल परफेक्ट, बहुत ही क्रिस्पी गोल्डन, बिल्कुल होटल स्टाइल हमारे डोसे बने हैं। और ये देखिए बहुत ही गजब के डोसे, बिल्कुल परफेक्ट। तो बस जितनी बार भी आप डोसे बनाएंगे नॉनस्टिक पर आपको वही मेथड करना है। और ये देखिए कितना परफेक्ट हमारा बिल्कुल होटल स्टाइल डोसा बना है, आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट गोल्डन कलर। और ये देखिए जब आपका डोसे सारे बन जाए तब आप तुरंत ही गर्म नॉनस्टिक तवे को या लोहे के तवे को दोनों को वॉश ना करें, हल्का ठंडा होने दें। जब वो बिल्कुल ठंडे हो जाएं उसके बाद आप माइल्ड से स्क्रबर जैसे नायलॉन वाला होता है उससे डिस्टेल डाल करके धो करके और एक साफ सूखी टॉवल से पोंछ करके उठा करके रख दें। लोहे के तवे को स्टोर करने के लिए जब आप उसे पोंछ लें तब आप एक बूंद ऑयल डाल करके उसको थोड़ा सा चिकना करके रखें जिससे उसमें रस्ट ना लगे, इससे आपके तवे की लाइफ भी एक्सटेंड होगी और डोसे नेक्स्ट टाइम अच्छे बनेंगे। अब नेक्स्ट डोसा जो मैं बनाने वाली हूँ वो मैं बनाऊंगी इस तवे पे। आजकल मार्केट में ये इस तरीके के आपने देखा होगा डाईकास्ट आयरन तवे आ रहे हैं जो शायद हल्के से नॉनस्टिक भी होते हैं, और ये मेटल स्पून फ्रेंडली भी होते हैं, यानी इस पर आप मेटल वाली स्पून भी लगा सकते हैं तो इस पर स्क्रैचेस नहीं आते, हाई ड्यूरेबिलिटी के होते हैं। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। वैसे डोसा बनाने के लिए जो सबसे अच्छा तवा होता है वो होता है हैवी बेस
कास्ट आयरन तवा, जिसको आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं क्योंकि वो इजीली नॉर्थ में नहीं मिल पाता है। तवा हल्का गर्म हो गया है। पहली बार नए तवे को कैसे सीजन करना है, यानी कैसे इसको तैयार करना है डोसे के लिए, उस पर मैंने पूरा एक सेपरेट वीडियो बनाया है, उस वीडियो को जरूर देखें। अब हम वापस से अनियन को ऐसे डिप करेंगे ऑयल में और इस तरह से घुमाएंगे, हल्का सा पानी स्प्रिंकल करेंगे। देखिए पानी में बबल्स बन रहे हैं और वो एवेपोरेट हो रहा है, यानी तवा परफेक्ट गर्म है। अब फ्लेम को लो करने के बाद इस पर बैटर डालेंगे। डाईकास्ट आयरन तवे पर भी इसी तरह आपको डालना है और देखिए हल्का हल्का गोल्डन कलर आने लगा है और अब इसमें हल्के होल्स भी दिख रहे हैं। तब हम डालेंगे ऑयल। हमेशा जब भी आप पहला डोसा डालते हैं आप देखते होंगे उतनी अच्छी रंगत नहीं आती है, लेकिन दूसरे तीसरे डोसे के बाद जो डोसे होते हैं बहुत ही बढ़िया गोल्डन बनते हैं। उसके पीछे ये रीजन होता है कि तब तक आपका जो तवा होता है वो बढ़िया से सीजन्ड हो चुका होता है, परफेक्ट गर्म होता है। तो आप ये करें कि जब भी आपको डोसे बनाने हो तो आप एक दो पहले चीले डाल लें आटे या बेसन के। जब आप आटे की और बेसन के किसी भी चीज़ के इस पर एक दो चीले बना लेंगे तो उसके बाद जब आप डोसा बनाएंगे तो डोसा बहुत ही बढ़िया तरह उतरेगा भी और उसमें कलर भी बढ़िया आएगा। ये देखिए हमारा कास्ट आयरन तवे पर डोसा तैयार है। तो बस आपने देखा कि डोसे बनाना कितना आसान है। तो फटाफट आपको कुछ पॉइंट्स बैटर को लेकर के बता देती हूँ। डोसा बैटर कैसे बनाना है, इसका परफेक्ट दाल और चावल का रेशो क्या होता है, ये मैं आपसे पहले वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ, वही वाला बैटर है। तो डोसे बैटर की एक परफेक्ट कंसिस्टेंसी होनी बहुत जरूरी है, यानी जब आप इस तरीके से ऊपर से यू टपकाएं तो ये रिबन बनने चाहिए। इसका मतलब आपके डोसे बैटर की कंसिस्टेंसी परफेक्ट है। दूसरा जरूरी पॉइंट, डोसा बैटर में फर्मेंटेशन प्रॉपर होना चाहिए, यानी खमीर पूरी तरह से अच्छी तरह उठा होना चाहिए। अगर आपका डोसा बैटर पूरी तरह फर्मेंट नहीं हुआ है तो आपके डोसे क्रिस्पी गोल्डन नहीं बन पाएंगे, ना ही उसमें वो रंगत आएगी। वो आपको कैसे पता चलेगा, जब आप तवे पर डोसा डालेंगे तुरंत उसमें थोड़े थोड़े होल्स दिखने लगेंगे, यानी छेद छेद से दिखने लगेंगे। इसका मतलब आपका जो डोसा बैटर है वो प्रॉपरली फर्मेंटेड है, यानी अच्छी तरीके से उसमें खमीर उठा हुआ है। ये बहुत जरूरी है एक अच्छा डोसा बनाने के लिए। तीसरा पॉइंट, जब आप तवे को ग्रीस करते हैं यानी जब उस पर ऑयल डालते हैं तो बहुत ज्यादा ऑयल आपको बिल्कुल नहीं डालना है। ज्यादा ऑयल डाल दिया तो फिर डोसा बैटर चमचे पे ही बार बार लगकर ऊपर आएगा और डोसा प्रॉपरली स्प्रेड नहीं हो पाएगा। तो सिर्फ हमें ग्रीस ही करना होता है, सिर्फ उसको चिकना बनाना होता है तवे को जब हम डोसा डालते हैं। नेक्स्ट बहुत जरूरी पॉइंट वो ये, तवा जो है ना ही बहुत ज्यादा ठंडा होना चाहिए और ना ही बहुत ज्यादा गर्म। ज्यादा गर्म तवे पर डालेंगे तो भी चिपकेगा, ठंडे तवे पर डालेंगे तो भी चिपकेगा। प्रॉपर हॉट तवा जरूरी है डोसे के लिए। नेक्स्ट, जैसे मैंने पहले भी बताया, सेपरेट तवा फॉर डोसा। डोसा बनाने के लिए आप एक अलग तवा रखिए। लोहे के तवे पर बना रहे हैं तो उस पर रोटियां बिल्कुल मत बनाइए, उससे जब आप सेकंड टाइम उस पर डोसा बनाएंगे फिर वो चिपकेगा, क्योंकि फिर से आपको वो तवा सीजन करना होगा। जितना हो सके हैवी बेस वाला ही तवा खरीदे, यानी अगर आप लोहे का तवा ले रहे हैं तो वो थोड़ा हैवी होना चाहिए, मोटा होना चाहिए, जिससे कि आपके डोसे चिपके नहीं। तो मैं अब उम्मीद करती हूँ कि आपके डोसे भी बिल्कुल नहीं चिपकेंगे और इसी तरह से एकदम गोल्डन क्रिस्पी होटल स्टाइल बनेंगे। और जो जो टिप्स मैंने आपको बताई तीनों तवे पर आपको क्या करना है उन्हें फॉलो कीजिए, आपके भी डोसे ऐसे ही क्रिस्पी एकदम बढ़िया बिल्कुल होटल स्टाइल बढ़िया कलर बढ़िया टेक्स्चर आएगा। बस आपको इन्हीं बातों का ध्यान रखना है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो प्लीज 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 अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिए और सभी के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग कुक विद पारुल। जय हिंद जय भारत।